हाँ आइए एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं, वो भी है फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें दिया क्या क्या है देखते हैं क्वेश्चन में, जो हमने पहले से लिखा हुआ है सॉल्व भी किया हुआ है क्या क्वेश्चन में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिया हुआ है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर है 2013 एंड करंट ईयर है 2014, 31 मार्च 2014। प्रीवियस ईयर में था 4 लाख एंड करंट ईयर में कितने का है, 5 लाख का। फिर कह रहा है यहाँ पे 10% डिवेंचर प्रीवियस ईयर या 2013 में था 1,50,000 एंड करंट ईयर में कितना है, 1 लाख। फिर कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व प्रीवियस ईयर में था 40,000 और करंट ईयर में कितने का है, 50,000 का। फिर नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹10,000, ये इंटरेस्ट पेड कर रहा है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है इसमें से, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या इनफ्लो हो रही है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, यानी यूज या फ्लो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला क्या है, कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की हुई है तो कितने का है, कैसे मालूम इशू किया हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में था 4 लाख और करंट ईयर में कितना हो गया, 5 लाख, यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड आया। तो हम लोगों ने लिखा क्या इसमें, पहला क्या आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखने वाली चीज है कि यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज हो रही है, यानी कंपनी ने जो शेयर इशू किया होगा वो किस पे किया होगा, प्रीमियम पे। ठीक है, तो अब प्रीमियम भी कितना है, 40,000 और 50,000 का डिफरेंस कितने का है, 10,000। यहाँ 4 लाख एंड 5 लाख का डिफरेंस कितने का, 1 लाख का, यानी टोटल कितने का हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो लिखा गया क्या है पूरा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,10,000। 1,10,000 कैसे आया, 1 लाख शेयर का और प्रीमियम का कितना था, 10,000, दोनों का ऐड किया कितने का हो गया कंपनी के पास, 1,10,000 के की कंपनी से इशू किया, इशू एट प्रीमियम में हुई, तो कंपनी का फंड आया। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे दिया कंपनी ने इंटरेस्ट पेड भी कर रही है किसको, डिवेंचर होल्डर को, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो कंपनी के पास क्या हो रहा, आउटफ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹10,000, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड किया तो 10,000 का इंटरेस्ट पेड हुई है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक और चीज है, 10% डिवेंचर है जो 1,50,000 प्रीवियस ईयर में था लेकिन अब करंट ईयर में हो गया 1 लाख, यानी 50,000 के डिवेंचर होल्डर का उसने कंपनी ने क्या किया, रिडीम किया, रिडम्पशन किया, रिपेमेंट हुई उसकी, तब कंडीशन में कंपनी के पास से क्या हो रहा, आउटफ्लो हो रही है, तब कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का हो गया, 50,000। 50,000 कैसे आया, 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना आ गया, 50,000। ठीक है, पहले कंपनी डिवेंचर इशू किया, शेयर इशू की थी एट प्रीमियम पे 1,10,000 का, इंटरेस्ट पेड किया 10,000 एंड डिवेंचर रिडीम कर रही है कितने का, 10% डिवेंचर रिडीम की हुई है कितने का, 50,000 का। अब देखिए कि यहाँ पे प्लस में कंपनी के पास जो फ्लो आया था कितने का आया था, 1,10,000 का, लेकिन कंपनी ने जो पेमेंट किया है इंटरेस्ट का 10,000 एंड रिडीम्पशन किया हुआ कितने किसका, डिवेंचर का 50,000, यानी टोटल कंपनी के पास आउटफ्लो कितने का हुआ, 60,000 का, और इनफ्लो कितना हुआ था, 1,10,000 का। तो नेट रिजल्ट कितना आ गया कंपनी के पास, 50,000 प्लस में आ रही है। तो इसके जब प्लस में आ रहा था ये क्या हो गया, उसके लिए फ्लो हो रहा था, ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत इजी टाइप के हैं। अब इसके बाद और क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हमारे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड रहेंगे कंबाइंड में भी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।